नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो वीडियो गाने होते हैं हमारे पास, तो ये वीडियो गाने जब भी यूट्यूब से निकालते हैं तो हमारे गाने जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, वो 30 फ्रेम पिक्सल पर सेकेंड की वीडियो होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल में कुछ अलग देखना चाहते हैं वीडियो के अंदर, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि इसके अंदर आप जब भी कोई वीडियो डाउनलोड करोगे तो आपको सिर्फ 60 FPS लिखना है गाने के पीछे। अगर जैसे ही आप वीडियो के पीछे ये लिख दोगे तो उससे क्या होगा कि आपको वीडियो मिलेगी 60 फ्रेम पिक्सल पर सेकंड की वीडियो। तो उन वीडियो में फ़र्क क्या होगा? तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दिखा तो दूंगा लेकिन आपको फिर भी पूरी तरीके से नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल पर कोई भी वीडियो गाना जब सर्च मारोगे तो उस पर आपको लिखना है 60 FPS, उसके बाद अपना वीडियो का कोई सा भी गाना लिख देना। तो उससे क्या होगा कि आप जब भी YouTube पे सर्च मार के ये गाना निकालोगे तो आपको वो गाना थोड़ा, मतलब जब वीडियो देखोगे थोड़ा सा उसके अंदर अंतर नज़र आएगा। तो वही चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले 30 FPS का गाना चला के दिखाता हूँ ये वीडियो किस तरीके से चल रही है। और इस वीडियो के बाद जो है अब मैं आपको दिखाता हूँ 60 FPS का गाना। ये देखिए, ये चला के दिखाता हूँ। दोनों वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अंतर नज़र आएगा। तो मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप जो है खुद सर्च निकालोगे तो आपको ये वीडियो में अंतर दिखाई देगा। तो आप जब भी कोई वीडियो गाना निकालते हो तो उसमें सीधा 60 FPS लिख देना पीछे, और उससे जो है आपको वीडियो के अंदर थोड़ा अलग नज़र आएगा। और तो उससे क्या होगा, जब आप भी कोई भी वीडियो गाना निकालोगे तो उससे आपको वीडियो जो है देखने में अलग नज़र आएगी, और आपकी मोबाइल की जो क्लियरिटी है वीडियो की वो भी अच्छी नज़र आएगी, और आपको लगेगा कि हमारा जो वीडियो गाना है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आगे आपके लिए लाता रहूँगा।